वेलकम टू द रॉयल मैकेनिकल फिटर आईटीआई चैनल। आज का विषय आप में से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो एनएफएल ग्रेड वन मैकेनिकल फिटर पद के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि देखा गया पिछला एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछा गया था। आज का विषय सेफ्टी। आज मैं सेफ्टी का पार्ट टू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बात करेंगे। चलिए देखते हैं। नंबर वन, फायर इज ए मिक्सचर ऑफ। आंसर, फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। फायर इज ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय वुड पेपर क्लॉथ। आंसर, क्लास ए। फायर जो बनता है वुड पेपर क्लॉथ से, वो कौन सा ग्रेड में पड़ता है? वो क्लास ए ग्रेड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCF। आंसर, हैलोन एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ साइन। ये जो साइन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। आंसर, इलेक्ट्रिसिटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग निमी का जो पैटर्न है और फर्स्ट ईयर से वही से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग बार बार देखिए वही से। नेक्स्ट, व्हिच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। आंसर, अनगार्डेड मशीनरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTC। आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। आंसर, ब्लू। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका जो कलर बैंड होता है, एक कलर बैंड क्या होता है? ब्लू। नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर। आंसर, व्हाइट एंड रेड। जो वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर है वो वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर का कलर बैंड क्या होता है? व्हाइट एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर बैंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। आंसर, ब्लैक। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सटिंग्विशर होता है उसका कलर बैंड को तो क्या होगा? उसका कलर बैंड होगा ब्लैक। ये कलर बैंड से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लोग बार बार देखिए इसको, याद करने की कोशिश कीजिए, मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सेल्फ डिसिप्लिन एज पर 5S कॉन्सेप्ट। आंसर, शिट्सुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्सटिंग्विशर इज नोन एज DCP एक्सटिंग्विशर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइसो मींस। आंसर, साइन क्लीनलीनेस। सेइसो का मतलब साइन या क्लीनलीनेस। नेक्स्ट, एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइथोन मींस। आंसर, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सेइथोन का मतलब क्या होता है? सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। एज पर 5S कॉन्सेप्ट सेइरी मींस। आंसर, शॉर्टिंग आउट। सेइरी का मतलब क्या होता है? शॉर्टिंग आउट। स्काई ब्लू कलर बीन इज यूज फॉर। आंसर, अदर्स टाइप वेस्ट। स्काई ब्लू कलर का जो बीन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? अदर्स टाइप जो वेस्ट होता है उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एज पर USA सिस्टम इलेक्ट्रिक फायर इज इन व्हिच ग्रुप। आंसर, क्लास सी। मैं एक अलग से ये फायर का जो क्लास होता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के रखा है, मेरा चैनल में देखिए वो वीडियो है, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, उसमें हर एक देश कौन सा फायर को कौन सा क्लास में रखा है वो चार्ट में दे दिया है, उसमें आप उसको देखिए, देखने से आप लोगों को शायद फायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आंसर, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोपियन फायर सिस्टम इलेक्ट्रिकल फायर इज कैटेगराइज इनटू व्हिच ग्रुप। आंसर, क्लास के। देखिए कुछ देर पहले ही मैं बोला US सिस्टम में इलेक्ट्रिकल फायर को रखा गया क्लास सी में, यूरोपियन सिस्टम में क्लास कौन सा क्लास में रखा गया? क्लास के में। आप लोग घबराइए मत, क्योंकि इस वो
जो मेरा वीडियो बना हुआ है उसका जो चार्ट है वो मेन चार्ट को आप देखिए, उसका डिटेल्स मैं बना के रखा, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कौन सा क्लास का फायर, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, सब वीडियो बना के रखा है, आप देखिए आपका फ़ायदा होगा। नेक्स्ट, इन यूरोपियन फायर सिस्टम कुकिंग ऑयल फैट इज कैटेगराइज इन व्हिच ग्रुप? आंसर क्लास एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड इन वेल्डिंग शॉप? आंसर CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर व्हिच टाइप ऑफ फायर? आंसर क्लास एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाइट बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर एंड रेड लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल? आंसर प्रोहिबिशन साइन। क्या बोला गया? बोला गया क्या है, ये एक राउंड सर्किल उसका बॉर्डर होगा लाल, और बीच में से एक सेंटर में से एक लाइन जाएगा, उसको कौन सा साइन बोला जाता है? उसको प्रोहिबिशन साइन बोला जाता है। ट्राइंगल व्हाइट बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर इज इंडिकेट्स साइन ऑफ? आंसर डेंजर। ट्राइंगल व्हाइट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड है व्हाइट, और ये जो ग्रीन बॉर्डर मैं दिया ये रेड होगा, ये जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डेंजर साइन। नेक्स्ट, व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड इन सर्कुलर शेप इंडिकेट्स मैंडेटरी साइन? ये साइन से क्वेश्चन आ ही सकता है, आप लोग इसका भी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वहां से मेरा चैनल का प्लेलिस्ट से देखिए, वो सेफ्टी का जो साइन लेके जो वीडियो है वो देखिए, उसमें से आप लोगों को ऑडियो विजुअल में ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर रेड बैकग्राउंड इंडिकेट्स? आंसर फायर फाइटिंग साइन। क्या बोला गया? बोला गया स्क्वायर विथ राउंडेड कॉर्नर, ऐसा स्क्वायर रहेगा उसका कॉर्नर जो रहेगा वो कॉर्नर ऐसा राउंडेड रहता है, अंदर से ऐसा राउंडेड रहता है, एंड इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड है रेड। कौन सा साइन इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है फायर फाइटिंग साइन। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट दैट फायर नीड्स? आंसर हीट। बोला गया फास्ट एंड मोस्ट एसेंशियल, जो आग के लिए पहला जो जरूरी चीज है वो क्या होता है? वो हीट होता है। ये था आज सेफ्टी का सेकेंड पार्ट। अगर ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को हेल्पफुल लगा तो रॉयल मैकेनिकल फिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सब टेक्निकल जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए और परीक्षा प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए आपका एग्जाम का।